मुंडा पांडे ब्लॉक में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण में सरकारी मानकों की अनदेखी और उनके निर्माण में भ्रष्टाचार अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ब्लॉक के गांव जैतपुर विसायड का सामने आया है। यहां के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत विकास खंड पर करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालय के जो गड्ढे सोखती होने चाहिए थे उसके स्थान पर ग्राम प्रधान ने पक्के सेफ्टी टैंक बना दिए हैं। यदि जब इन पक्के सेफ्टी टैंक से शौचालय का गंदा पानी निकलकर गाँव की नालियों में बहेगा तो इस गंदे पानी से गाँव के अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी और गाँव के लोग बीमारियों की चपेट में आने लगेंगे। इसके लिए इन पक्के गड्ढों के स्थान पर सोखती गड्ढे बनाए गए। खंड विकास अधिकारी श्रद्धा गुप्ता ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। ग्राम प्रधान ने सरकारी मानकों में शौचालय के गड्ढे नहीं बनाए। इसकी जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता उस्मान खान की खास रिपोर्ट। सरकारी भवनों में जो है वो सोपित निर्माण की गतिविधि की जाती है, तो इस प्रकार से पक्के गड्ढों का कोई प्रावधान नहीं है। ये जिस भी ग्राम पंचायत का मुद्दा है उसकी जानकारी सचिव से प्राप्त की गई है। उसने अवगत कराया है कि इस संबंध में किसी भी शासकीय धन का आहरण नहीं किया गया है अब तक में, ना ही उस कार्य की एमवी हुई है। तो वह ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर से फिलहाल कराया जा रहा है। बिल्कुल फिलहाल एमवी नहीं हुई है, पर भविष्य में हो सकता है कि उसकी एमवी अथवा भुगतान हो जाए, तो ऐसा ना हो सके इस क्रम में एक जाँच विकासखंड कार्यालय द्वारा स्थापित की जाएगी और जो संबंधित तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार।